नमस्कार, आज की खास खबरों में आपका स्वागत है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को मध्य प्रदेश के शहडोल में सभा के बाद वहीं फंस गए। बताया जा रहा है कि उनका हेलीकॉप्टर फ्यूल की कमी के कारण नहीं उड़ पाया। वे शहडोल में ही रात रुके और वे एक निजी होटल में ठहरे थे। राहुल मंगलवार सुबह जबलपुर के लिए रवाना हुए। रात में राहुल गांधी बांधवगढ़ से लगे जंगल क्षेत्र में एक ढाबे पर खाना खाने पहुंचे और उनके साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार रहे। इसके बाद राहुल गांधी ने इंस्टा पर शहडोल दौरे का अपना वीडियो भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि आज की शाम शहडोल के नाम। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने यह बताया कि हेलीकॉप्टर के लिए भोपाल से फ्यूल मंगवाया गया, लेकिन खराब मौसम के कारण फ्यूल समय पर नहीं पहुंच पाया है। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर के उड़ान नहीं भरने पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का भी फ्यूल खत्म हो गया है, इसीलिए कांग्रेस अब टेक ऑफ नहीं करने वाली है। राहुल गांधी को कितनी ही बार लॉन्च कर लें, रिलॉन्च कर लें, अब राहुल ही टेक ऑफ नहीं करने वाले हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने सोमवार को मंडला और शहडोल लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा की और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के वादों को दोहराया। साथ ही कई मुद्दों पर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। शहडोल के बाणगंगा मेला ग्राउंड में आयोजित सभा में राहुल ने कहा कि हमारी सरकार बनने पर देश के किसानों का कर्जा माफ करेंगे, साथ ही किसानों को कानूनी न्यूनतम समर्थन मूल्य भी दिया जाएगा। उन्होंने महालक्ष्मी योजना के तहत हर गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1,00,000 रुपए देने की भी बात कही है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ने 2022 और 2025 में लोगों का 16,00,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। वहीं मनरेगा को चलाने में 65,000 करोड़ रुपए लगते हैं। मोदी जी ने 24 साल का मनरेगा का पैसा कर्जे का माफ कर दिया है। बता दें, वो किसान का, गरीब का, मजदूरों का कर्जा माफ नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे, क्योंकि सेना भी इसे नहीं चाहती है।